जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान शादी के बाद घर लौट रहे दूल्हा दुल्हन को सड़क घटना के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है और इस घटना की सूचना के बाद दोनों शादी के परिवारों में कोहराम मच गया है और पूरी तरह से गम का माहौल बन गया है। यह पूरा मामला बिहार के नालंदा से निकल कर आ रहा है, जहाँ पर शादी शुक्रवार की रात हुई थी और शनिवार को विदाई के बाद दुल्हन अपने दूल्हे पति के साथ ससुराल जा रही थी और बख्तियारपुर रजौली फोर लेन पर एक ट्रैक्टर ने ही उनको भिड़ंत कर दी थी। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान मौके पर ही दूल्हा दुल्हन को घोषित कर दिया गया। दुल्हन गिरिया के थाना क्षेत्र के संतुआ गांव निवासी कारू चौधरी की बेटी पुष्पा कुमारी 20 वर्षीय है और जबकि दूल्हा नवादा जिले के रोहन थाना क्षेत्र के महाराणा गाँव के रहने वाले तुलाराम चौधरी के बेटे श्याम कुमार 27 वर्षीय हैं। इस घटना में ड्राइवर बाल बाल बच गए हैं, जबकि दूल्हे का बहनों के हालात ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात नवादा से बारात चलकर नालंदा पहुंची थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौट रहा था। इसी बीच हसनपुर गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रहे अवैध बालू से लोड ट्रैक्टर ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इस घटना में पुष्पा और श्याम को मौके पर मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस घटना की सूचना के बाद शादी वाले घर में खुशियां कुछ ही घंटों में गम में बदल गई हैं और एक साथ दो घरों में कोहराम मच गया है। इस घटना के दौरान थानाधिकारी जितेंद्र कुमार पहुंचे हैं और शव को कब्जे में लेने के बाद पीएम करवाने के लिए भेज दिया गया है, जबकि ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।